नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज मैं आपको 2019 में शुक्र तारे के अस्त और उदय होने का समय बताऊंगा। साथ ही साथ इस विषय में भी व्यापक चर्चा होगी कि इस समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष द्वारा अपने समस्त समस्याओं के समाधान के लिए एवं राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, 20 जुलाई 2019 को शुक्र अस्त होंगे और पुनः 25 सितंबर 2019 में उदय हो जाएंगे। शास्त्र के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार इस समय में समस्त मांगलिक कार्यों का निषेध किया गया है। बड़े मांगलिक कार्यों का, जैसे गृह प्रवेश, या आपको कोई बड़ा व्यापार शुरू करना है, या कोई भी आपको बड़ा मांगलिक कार्य करना है, प्रयास करें शुक्र के अस्त होने में वह कार्य आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, स्वयं की साधना जारी रखें, छोटे मोटे काम सब चलते ही रहते हैं, लेकिन कोई विशेष कार्य जिसका आपके जीवन से बड़ी गहनता से संबंध हो, उसे शुक्र के उदय होने पर ही आप पुनः प्रारंभ करें। उसमें कोई भी आप कंप्रोमाइज ना करें, इस बात का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शुक्र के अस्त होने में यदि कोई बड़ा काम शुरू किया जाता है तो उसकी सफलता की संभावना बहुत कम रह जाती है। दोस्तों, यह थी शुक्र के संबंध में एक छोटी सी जानकारी। कामना करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।